स्टॉक मार्केट मीडिया में दोबारा से आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है जो 30 दिसंबर से आपको उसे अपने रडार पर रखना है। और सेकंड स्टॉक हम देखेंगे, उसके पहले निफ्टी पे वापस चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है, 17,200 के नीचे गया तो यहाँ पे थोड़ी बेरिश मूवमेंट आ सकती है। और 17,300 अगर डिसिसिवली ये क्रॉस करता है तो हम इसमें बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक स्टॉक डिस्कस किया है जो आपको चैनल पे दिख जाएगा 30 दिसंबर के लिए। सेकंड स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी सेम सेक्टर से, और वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है काफ़ी टाइम के बाद। इसके पहले ये ऑलमोस्ट 3020 के हाई बना चुका है, और अभी देखे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये ब्रेकआउट तो दे ही चुका है। तो क्लोजिंग बेसिस पे 4969 पे ये क्लोज हुआ है, और इमिजिएटली सपोर्ट है इसका है 2400 पे। 2400 पे है अगर मार्केट कल थोड़ा नीचे होता है या कंसोलिडेट करता है, और आपको ये 2400 के लेवल पे मिल जाता है, रीटेस्टिंग लेवल है। यहाँ से डेफिनेटली आप एक बड़ा मूव देख सकते हैं। स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है 2600 के लेवल तक। तो दीपक नाइट्राइट को आप अपने रडार पे रखिए, आप एंट्री कर सकते हैं। करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, या आपको थोड़ा नीचे मिलता है 2450 2400 ये लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। इमीडिएटली सपोर्ट 2400 पे, उसके नीचे फिसला तो 2350 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नेक्स्ट मूव जो आपका टारगेट होगा 2600, फर्स्ट टारगेट होगा 2700 फर्स्ट, और उसके बाद भी अगर ये रीटेस्ट करके अपर जर्नी कंटिन्यू करता है तो 2900 आपके फाइनल टारगेट होंगे। उसके बाद स्टॉक शायद ऑल टाइम हाई क्रॉस करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो दो स्टॉक डिस्कस किए हमने 30 दिसंबर के लिए। फर्स्ट स्टॉक है फिलिप कार्बन, आप देख सकते हैं वीडियो, और सेकंड है दीपक नाइट्रेट। इस पर ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।